अंतरराष्ट्रीय दमा जागरूकता दिवस के मौके नवांशहर के संधु हस्पताल में लगाया गया जागरूकता सैमीनार। नवांशहर के चंडीगढ़ रोड से बरनाला गेट को स्थित संधु हस्पताल च अंतरराष्ट्रीय दमा जागरूकता दिवस मौके सैमीनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जे एस संधु, डॉक्टर गुरप्रीत कौर और डॉक्टर हरप्रीत कौर उन्होंने मरीजों नू जागरूक किया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में दमे के मरीज मास्क पा के रखन अते खुद नू बचाउन। अंतरराष्ट्री दमे का जागरूकता दिवस होंगे इंटरनेशनल अस्थमा डे मनाया जाता है। वर्ल्डवाइड बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे शहर कि कैंप लगाए जाते हैं, कि बारे जागरूकता सैमीनार किए जाते हैं। परपस होंगे कि अस्थमा बारे अवेयरनैस हो, दमे बारे अवेयरनैस हो, कि जरा बीमारियां हैं, साह की एलर्जी हो गई, दमा हो गया, अस्थमा कह लो, ये ट्रीटेबल हैं, ठीक हो सकते होंगे। ये बारे कई टैबू हैं या लोग ये बारे कई गलत धारणा हैं भी ये ठीक नहीं होंगे या प्रॉब्लम बारे नैगेटिव थिंकिंग हैगी कई लोगों की। उन्हों तो बाहर निकल के अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को दस के यदा इलाज करा इसे परपज के लिए, ताकि लोग ये पेशेंट्स को फायदा ले सकन। ये अब फ्री कैंप लगाया गया जिस पेशेंट को फ्री कंसल्टेशन दी जा रही है। उसके नाल एक स्पायरोमीटरी टेस्ट होंगे जिसे फेफड़ियां की जांच की जाती, फेफड़ियां का खास टेस्ट होंगे जिसमें पता चलता भी मरीज के लंग्स या फेफड़े कितना काम कर रहे हैं, कितना घट काम कर रहे हैं। वो स्पायरोमीटरी टेस्ट भी अब निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट का किया जा रहा है। तो इस दे नाल नाल बाकी जो लोड़वंद पेशेंट है उन्होंने दवाइया भी फ्री दिखाई जाएंगी। बाकी यही एक संदेशा मैं बाकी पेशेंट्स नूं ते पब्लिक नूं देना चाहवांगा कि जे किसी नूं चेस्ट दीआं प्रॉब्लम्स, दमा, एलर्जी अजकल दे मौसम च जिवें खासकर कॉमन हुंदी है धूड़ मिट्टी ज़्यादा होने कारण, तां उह अपना अवेयरनैस रखन, इलाज प्रॉपरली करान, उहदे नाल नाल धूड़ मिट्टी तो जिन्ना बच सकदे उहदे तो दूर रहन, मास्क ला के रखन। जिहड़े मास्क है उह सिर्फ कोविड तो नहीं बचाते, करोना के नाल नाल जिहड़ियां साह दीआं एलर्जीज़ है, क्योंकि उहदे नाल अपने साह दे अंदर धूड़ मिट्टी हवा के विचों फिल्टर हो जाती है तो साह जिहड़ा है वह बैटर हो जाता है। सो इस अजकल के मौसम के जलों धूड़ी कारण तो कणक के कारण इस सीजन के वैसे नेरिया का भी मौसम होंगे, वह कारण भी मिट्टी धूड़ हवा ज़्यादा होंगी है, तो वो पेशेंट्स अपना मास्क पा के रखन, अपना बचा रखन, तो जो फिर भी खंघ आती है, साह चढ़ता है, तो अपने डॉक्टर को प्रॉपरली ट्रीटमेंट करा। थैंक यू। जिहड़े पेशेंट्स नूं दमे की बीमारी हैगी है, एलर्जी की प्रॉब्लम है या काला दमा हैगा है, उहदे लई असीं जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करदे हाँ या पंप देंदे हैगे आ, कई पेशेंट्स उहदा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लैंदे हैगे आ, इस करके वह बीमारी जो है वध जांदी हैगी है। इसलिए इस साल के थीम के अकॉर्डिंग असीं पेशेंट्स नूं बेसिकली जागरूक करना है, ताकि अपनी दवाइयां अपने हीलर्स जो है रेगूलर यूज करन, ताकि अगे जाके प्रॉब्लम ना आए। इस मौसम में जो कि वाडिया का टाइम है, अपने इस एरिया से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट्स को छिक्का आंदियां है, नक बंद रहता है, साह चढ़ता है, छाती च रेशा जमा हो जाती है, छाती चो सीढ़ियाँ जी आवाज़ आती हैगी है। इस अगर तुहानू कोई भी इदा दा कोई सिम्पटम हैगा है तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करो, टाइम ना ला के अपने डॉक्टर को विजिट करो तो यदा ट्रीटमेंट करवाओ। इस तो बचने लिए देखो, बाहर तुम जब भी जाते हो हमेशा मास्क पा के रखो, क्योंकि हवा में जो पॉलन्स होंगे है, डस्ट होंगी है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैगी है। कुछ खान पीन का परहेज रखना जरूरी होंगे है, ठंडी चीज़ा खट्टी चीज़ा जो होंगे है वो प्रॉब्लम बढ़ाती है, उस चीज़ का थोड़ा परहेज रखो।